3 दिन पी लो, 100 साल तक बुढ़ापा, शरीर की कमजोरी, अनिद्रा, थकान, कमजोर आंखें, कैल्शियम की कमी, हड्डियों की कमजोरी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और दिल से जुड़ी बीमारियां आपको नहीं होंगी। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे चमत्कारी नुस्खे को बनाकर दिखाएंगे जिसका प्रयोग करके आप अपने शरीर की बहुत सारी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं और अपने शरीर को ताकतवर और फौलादी बना सकते हैं, अपने शरीर को स्टील बॉडी बना सकते हैं। दोस्तों, इस नुस्खे को लेने से आपको कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, यानी आपकी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया रुक जाएगी, क्योंकि इस नुस्खे को लेने से आपके चेहरे पर ग्लो आ जाएगा, आपके चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ेंगी और आप 75 साल की उम्र में भी 25 साल जैसे दिखाई देंगे। दोस्तों, इस नुस्खे को लेने से आपके पूरे शरीर की कमजोरी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आपका पूरा शरीर ताकतवर और फौलादी बन जाएगा, आपको कभी कमजोरी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना ही दोस्तों आपको थकान होगी, आप अपने आप को पहले से ज्यादा एक्टिव फील करेंगे। दोस्तों, क्या आपको शुगर की बीमारी है और आप अपनी शुगर की बीमारी का इलाज करना चाहते हैं, इसको कंट्रोल करना चाहते हैं और इस शुगर की बीमारी के कारण आपके शरीर के अंदर जो कमजोरी आती है आप उसका भी इलाज करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये नुस्खा आपके लिए वरदान है, क्योंकि ये नुस्खा आपके शुगर लेवल को तो कंट्रोल करने का काम करेगा ही करेगा, इसके साथ में डायबिटीज की बीमारी के कारण आपके शरीर में जो कमजोरी आती है उस कमजोरी का भी इलाज करेगा, आपको ताकतवर भी बनाएगा और आपके शुगर लेवल को भी कंट्रोल करेगा। इसके साथ में जो डायबिटीज की बीमारी के कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे किडनी पर असर आना, हार्ट पर असर आना या ब्लड प्रेशर की बीमारी होना, इन सब से भी आपको बचा कर रखेगा। दोस्तों, क्या आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और आप अपने शरीर के इस बैड कोलेस्ट्रॉल का इलाज करना चाहते हैं, तब भी दोस्तों इस नुस्खे का आपने सेवन करना चाहिए, क्योंकि इस नुस्खे को यदि आप कंटिन्यू लेंगे तो इससे कंटिन्यू लेने से आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है शरीर में वो कम होना शुरू हो जाएगा और आपके शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी। और दोस्तों, यदि आपको कोलेस्ट्रॉल की कोई समस्या नहीं होगी तब आपको हार्ट ब्लॉकेज भी नहीं आएगी, और जब आपको हार्ट ब्लॉकेज नहीं होगी तब आपको हार्ट अटैक भी नहीं आएगा, यानी ये तीनों चीजें कोरिलेट हैं एक दूसरे से, यानी ये नुस्खा कोलेस्ट्रॉल का इलाज करेगा, हार्ट ब्लॉकेज का इलाज करेगा और हार्ट अटैक का भी इलाज करेगा। दोस्तों, इतना चमत्कारी है ये नुस्खा। दोस्तों, यदि आपको अनिद्रा की बीमारी है, और दोस्तों यह तो आप जानते ही हैं कि ये अनिद्रा अकेली बीमारी नहीं है, दोस्तों ये अनिद्रा आपके शरीर को बीमारियों का घर बनाती है, आपके शरीर में 100 से ज्यादा बीमारियां आ जाती हैं इस अनिद्रा की बीमारी के कारण, तो दोस्तों ये नुस्खा आपकी इस अनिद्रा की बीमारी का एक रामबाण इलाज है। दोस्तों, जो काम दवाइयां नहीं करती वो काम ये नुस्खा कर देता है। दोस्तों, अनिद्रा का इलाज करने के लिए आपको दवाइयां कंटिन्यू खानी पड़ती है हर रोज, लेकिन ये नुस्खा यदि आप कुछ दिन लगातार लेंगे तो आपको तीसरे दिन से ही फर्क दिख जाएगा, आपकी जो गोलियां हैं वो छूट जाएंगी, आपको अनिद्रा की समस्या का समाधान हो जाएगा और आप अनिद्रा के साथ उन 100 बीमारियों से भी बचाएंगे। दोस्तों, क्या आपकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ है और आप अपनी आंखों की रोशनी को बढ़ाना चाहते हैं, तब भी दोस्तों ये नुस्खा आपके लिए एक वरदान है और आपकी आंखों से हमेशा हमेशा के लिए चश्मे को हटाने का काम करता है, आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ा देता है। दोस्तों, ये नुस्खा आपके शरीर की हड्डियों की कमजोरी का भी इलाज करेगा, कैल्शियम की कमी का इलाज करेगा, क्योंकि ये कैल्शियम फूड है जो आपके शरीर की हड्डियों को वज्र के समान मजबूत बना देता है। दोस्तों, ऐसा है ये चमत्कारी नुस्खा जो आपके शरीर को निरोगी बनाने का काम करेगा, इसके साथ में आपके शरीर की इम्यून पावर, रोगों से लड़ने की शक्ति को भी बढ़ाएगा। और दोस्तों, यह बात तो आप जानते ही हैं कि यदि आपके शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति हाई होगी तब आप बहुत तरह की बीमारियों से बच जाएंगे। अब जानते हैं कि इस नुस्खे को आपने बनाना कैसे है। दोस्तों, इस नुस्खे की जो सबसे पहली मुख्य सामग्री है वो है दोस्तों बादाम। और दोस्तों, बादाम के फायदे हम जानते ही हैं, क्योंकि बचपन से ही हम बादाम के बारे में सुनते आ रहे हैं। दोस्तों, बादाम पेट से लेकर दिल तक की हर बीमारी का इलाज है, मोटापे को कम करता है, डायबिटीज को कंट्रोल करता है, हार्ट ब्लॉकेज से बचाता है और आपके शरीर को ताकतवर बनाने का काम भी करता है। और कहा भी जाता है कि यदि आप हर रोज बादाम का सेवन करेंगे तब आपका शरीर फौलादी बना रहेगा। आपने बादाम का प्रयोग कैसे करना है, आपने क्या करना है, 4 बादाम लेकर रात को सोते समय 1 गिलास पानी में या 1 कटोरी पानी में भिगोकर रात को रख देनी इस नुस्खे को बनाने के लिए। अब जो दूसरी इसमें सामग्री है वो है दोस्तों खसखस। और दोस्तों, खसखस के फायदे हम सभी जानते ही हैं। इसका इस्तेमाल कब्ज जैसी समस्या से लेकर कैंसर जैसी घातक बीमारियों के इलाज के लिए भी किया जाता है। छोटे छोटे बीजों वाला यह खाद्य पदार्थ कैलोरी, प्रोटीन, फैट
फाइबर, कैल्शियम, आयरन, पोटासियम व फोलेट जैसे पोषक तत्वों से भरा है। इसका इस्तेमाल आंतरिक स्वास्थ्य से लेकर त्वचा और हमारे बालों के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, खसखस का लेना है आपने सिर्फ एक चम्मच। इसका प्रयोग हम आपको आगे बताएंगे। अगली जो इसमें सामग्री है वो है दोस्तों मखाने। और दोस्तों मखाने के बारे में भी हम सब जानते हैं, मखाने डायबिटीज और दिल के रोगियों के लिए तो एक वरदान की तरह काम करते हैं और दोस्तों आपके शरीर को ताकतवर बनाने का काम भी करते हैं। और दोस्तों आपने मखानों के खीर का टेस्ट तो किया ही होगा, क्या गजब लगती है दोस्तों। आप इसको खाएंगे तो भूल नहीं पाएंगे इसके टेस्ट को। और दोस्तों ये सिर्फ ना आपके टेस्ट के लिए अच्छा है बल्कि आपकी सेहत के लिए भी लाजवाब है। अगली जो इसमें सामग्री है वो है दोस्तों मिश्री। मिश्री का प्रयोग हमने स्वाद के लिए किया है। और एक सामग्री है दूध। एक गिलास आपने दूध लेना है। और दोस्तों दूध हम बचपन से पीते आ रहे हैं तो उसके फायदे हम सब जानते हैं। अब जानते हैं नुस्खे को बनाने की विधि। दोस्तों आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक बर्तन को आग पर रखना है और उसमें एक चम्मच घी डालना है, शुद्ध गाय का घी लेना है। और दोस्तों घी के फायदे भी आप सब जानते ही हैं। अब आपने क्या करना है, उस घी में एक चम्मच खसखस डालकर उसको अच्छी तरह से भून लेना है जैसे कि ये हम भून रहे हैं। अब आपने उसमें डालना है एक गिलास दूध जैसे कि ये हमने डाल दिया। अब आपने उसके अंदर वो चार जो बादाम आपने रात को भिगोए थे उनको अच्छी तरह से छिलका उतार कर उनको कूट कर आपने इसमें डालना है जैसे कि ये हम इसमें बादाम कूट कर डाल रहे हैं। अब आपने इसमें डालना है एक मुट्ठी मखाने जैसे कि हमने एक मुट्ठी मखाने इसमें डाल दी। दोस्तों अब आप इसमें डालें मिश्री अपने स्वाद के लिए। यदि आपको शुगर की बीमारी है तब आपने मिश्री का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन यदि आपको शुगर की बीमारी नहीं है तब आप इसमें अपने स्वाद के लिए मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं जैसे कि ये हमने इसमें मिश्री डाल दी। अब आपने इस दूध को तीन उबाल देने हैं और तीन उबाल देने के बाद बिना छाने ही आपने इसको डालना है एक गिलास में। और दोस्तों ये है आपके शरीर को ताकतवर बनाने और निरोगी बनाने का नुस्खा। आपने इसका सेवन हर रोज सुबह बासी मुंह करना है, सुबह खाली पेट आपने इसको पीना है। और दोस्तों यदि आप ऐसा करेंगे तब आपका पूरा शरीर बिल्कुल निरोगी बन जाएगा, आपके शरीर की हर तरह की बीमारी का इलाज हो जाएगा, आपको हड्डियों की कमजोरी नहीं होगी, कैल्शियम की कमी नहीं होगी, अनिद्रा की बीमारी का इलाज हो जाएगा। दोस्तों कमजोर आंखों का इलाज हो जाएगा, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, पेट के रोगों का भी इलाज होगा, पेट में गैस, कब्ज और एसिडिटी की समस्या से आप बचे रहेंगे। तो इतना चमत्कारी है नुस्खा, आपके शरीर के इम्यून पावर को बढ़ाएगा। तो दोस्तों देर किस बात की है, आप भी इस नुस्खे को आज ही अपने घर पर बनाएं और इस नुस्खे का प्रयोग करें और फिर देखें इसके चमत्कारी फायदों के बारे में। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।